उन्होंने कहा यार जो तीन स्पिनर हो जिस टीम के पास, अक्षर होगा, कुलदीप जो मैच विनर है, ठीक है, फिर जडेजा होगा, फिर उसके बाद आपका बुमराह होगा, तो किसने ये आपको मशवरा दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप टॉस जीत के आप दूसरी बैटिंग कर लें? इंग्लैंड को पकड़ के इंडिया ने आज उधर छोड़ा है, बदला लिया है, आज 2022 का बदला लिया है। जो दुआएं हम अपनी टीम के लिए करते हैं, बाखुदा वही दुआएं हिंदुस्तान की टीम के लिए भी की है, हर एक मैच में की है, हर एक मैच से पहले की है, हर एक मैच के बाद वही सेलिब्रेशन किया है हिंदुस्तान की टीम के लिए। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच जिस तरह शानदार बैटिंग शानदार बॉलिंग के साथ विन किया, क्या कहती है इसके ऊपर आप? एक्चुअली इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया की तरह इस टीम का पल्ला बड़ा भारी है और अंग्रेज बड़े स्मार्टली प्ले करते हैं। क्या जबरदस्त किस्म का आप कह ले कि इंडिया ने गेम पेश किया, प्रॉपर तौर पर इंडिया ने सब चीजों में आप कह ले कि पीछे छोड़ा है इस बार इंग्लैंड को, ना सिर्फ जो उन्होंने बदला लिया बल्कि उन्होंने शानदार किस्म का बीट किया, वन साइड मारा और ऐसा आ रहा है जैसे कोई मिन्नू टीम हो इंग्लैंड, कमाल कर दिया इंडिया के स्पिनर्स ने। यार अजीब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा किसीन था, और मुझे ये भी समझा दें कि क्या गौरव को पता है स्पिन खेलने कैसे? इंडियन मैनेज कर सकता है स्पिन को, ठीक है, रोहित शर्मा मैनेज कर सकता है, उसने आदिल को मैनेज किया, क्या मसला? कोई मसला नहीं, हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं, वो खेलते रहते हैं, तो स्पिनर के लिए मसला नहीं है, इनको आती नहीं खेलना स्पिन मतलब है, ठीक है, ये कोई फास्ट बॉलर पिच तो है नहीं, अन ईवन बाउंस होगा, पिच रिपोर्ट डेढ़ घंटा पहले हो रही है, और इतना ह्यूमिड है सूख जाएगा, आप कोशिश करें 150 करने की, 150 करके आप कोशिश करें फंसाने की हिंदुस्तान को 150 पे, तो वहां मैच ऑन हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी हमने दूसरी बैटिंग ही करनी है, कर लो जी दूसरी बैटिंग कर लो, दूसरी बैटिंग की आप बजा दिया पकड़ के, कुलदीप यादव की बॉलिंग, अक्षर पटेल की बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, मतलब आप अंदाजा लगा लो कि जिस तरह की बॉलिंग आई टीम इंडिया ने की है, इंग्लैंड को मुकाबला भी करता नजर नहीं आया, इंग्लैंड को मुकाबला करता भी आज नजर नहीं आया, इंग्लैंड को वहां मारा जाके जहां से ये निकले हुए थे। यस! चल 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 बजा दिया, कौन कह रहा था इंग्लैंड जीत जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छंटना हो जाएगा इंडिया। अफगानिस्तान की एक बहुत पुरानी कहावत है, कहते हैं जब करे हबीब तो क्या करे तबीब, तो भैया बहुत बधाई हो आप लोगों को, भाइयों हमारे जिगर के टुकड़ों हिंदुस्तान वालों माँ कसम देखो माँ से बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, हर इंसान के लिए, वैसे मैं भी हूँ, मेरे लिए माँ से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो भाई माँ कसम जो खुशी आज हिंदुस्तान के सेमीफाइनल के जीतने पे हुई है ना, अगर अफगानिस्तान भी जीत जाता तो भी उतनी ही खुशी होती, कोई 19-20 का फर्क नहीं होता, तो माँ कसम भाई क्या जबरदस्त खेले हो, क्या जबरदस्त जो है बड़ा टोटल बना दिया आप लोगों ने, ये वाइट अंग्रेजों के आगे आज लगान वसूल हो गया भाई, आज जो लगान था वो आज भी थी, समझ नहीं आ रही थी कि ये मैच कहीं निकल ना जाए, क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन तो यही थी कि कप जो है एशिया मेरी और सेमीफाइनल इंडिया को जीतना चाहिए, और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह चले, आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी सेम उसी तरह परफॉर्म किया, 57 सूर्य कुमार यादव, पहले ही आवाम बोल रही थी अगर विराट ना चला तो हमारे पास स्काई है, और स्काई ने प्रूव किया कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और आज 172 का टारगेट सच माने इस पिच पे इंग्लैंड के बस की बात नहीं थी, और इंग्लैंड वापस गया, और ये भी बदले का ही मैच था। बिल्कुल स्काई की बात करें उससे बढ़कर रोहित शर्मा की बात करें, जब से बड़ी टीमों के साथ मैच स्टार्ट हुए दरे से दरा आज भी उनका देखने तकरीबन 57 उन्होंने स्कोर मारा। एक्चुअली ना इंडिया की इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखें ना, वो हर मैच बॉलिंग के बेस पे जीता है, इंडिया की बैटिंग पूरी दुनिया में मानी जाती है, अब इंडिया की बॉलिंग भी दुनिया में मानी जाएगी, इंडिया ने जिस तरह से इंग्लैंड के बड़े बड़े बैटर्स को जो है बुक करवाया, कोई भी 50+ नहीं कर पाया, इंडिया की बॉलिंग की ये दाद देंगे हम, इंडिया की यूनिटी की दाद देंगे, और आप बात कर ले अश्विन की, सॉरी आप चाहे बात कर ले कुलदीप की, चाहे आप बात कर ले अक्षर की, चाहे आप बात कर ले जडेजा की, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, और एक बार फिर से बदला ले लिया, वर्ल्ड कप 2022 का बदला डन। कहते ना विक्ट्री स्वीट होती है, रिवेंज जो है उससे भी स्वीट होता है भाई। नहीं भाई, इंडिया ने बदला ले लिया, वर्ल्ड कप 2022
वर्ल्ड कप 2022 जो 10 विकेट से इंडिया को शिकस्त मिली थी, यही वो टीम थी। और आज इंडिया ने मौके पे मारा चौका नहीं बल्कि छक्का, और उसी तरह जो सेमीफाइनल में इनको हार हुई थी, सेम एज इट इज इन्होंने सेमीफाइनल में डिस्ट्रॉय किया। वन साइडेड मैच और इंडिया गो थ्रू कर गया वर्ल्ड कप 2024 के ग्रैंड फिनाले में। अब हो गया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फिनाले, बहुत बड़ा मैच होगा। और रोहित शर्मा रियल डिजर्वर थे, जिस तरह से कप्तानी कर रहे थे, सबने हाल है वो मेरे ख्याल में अभी शो भी नहीं कर रहे थे। सो वेल डिजर्व, इंडिया बहुत डिजर्व करता था, और मैं हमेशा इस बात की फेवर में था कि इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए। मुझे तकलीफ हुई लास्ट ईयर भी कि हिंदुस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी हारा है, और वो नहीं हारना चाहिए था, बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि इंडिया वेल डिजर्व था। दूसरा, रोहित शर्मा कैप्टनसी आपको पता ही है, उसका एक आइडिया है, उसके मशवरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ही चीज़ वो बार बार कह रहे हैं, इम्पैक्ट डालना है मैंने और मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, तो उसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, और उसका अच्छे नोट पर एंड भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बड़ा प्लेयर है। और लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली जो भी आप कह लें उसको, वो वर्ल्ड कप उसका बनता था, उसके हाथ से निकल गया, दो वर्ल्ड कप उसके हाथ में होते। बड़ा एनीवेज, बहुत सेल्फिश कप्तान है, मजेदार कप्तान है, टीम के लिए खेल रहा है, पूरा बैट्समैन है। काश इंडिया ऋषभ पंत को और रोहित शर्मा ओपन कर ले, और कोहली आर इन फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल है, और इंडिया ये फाइनल जीतेगा। मेरे घंटे के निकलो भाई, निकलो मेरे घंटे के निकले भाई, मेरे छनकने के निकले भाई, जो बैठ के बकवास कर रहे थे इंडिया तो ये करेगा। इंडिया ने गुस्सा होती है पकड़ के, बेटा अक्षर पटेल की बॉलिंग पे डाउट कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे डाउट कर रहे थे, कुलदीप यादव की बॉलिंग पे डाउट कर रहे थे, अवैस भाई पकड़ के बजा दिया। आज जिस तरह की सेलिब्रेशन कर सकते हो ना, अब देखो मिड इनिंग में मैं क्या कह गया हूं, मिड इनिंग में क्या कह गया था, मुझे इंडिया पे इतबार है, मुझे अपनी इस बॉलिंग लाइनअप पे इतबार है, करके दिया है। जो बोलो, देखो फैन वो होता है जो मुश्किल में खड़ा हो, फर्स्ट इनिंग में आपको मुश्किल लगा, आपका भाई खड़ा था, आपका भाई ने बोला इंडिया पकड़ के बजा देगा, झूठ समय जो है वसूल हो गया है। और आज अंग्रेजों को ऐसा थप्पड़ मारा है ना, ऐसा भाई जो बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि जवान वाला थप्पड़, जो आर्मी वाले मारते, क्या आर्मी वाला थप्पड़ मारा है आज जो है इन अंग्रेजों को, कि भाई मैं बता नहीं सकता। इतना बड़ा टारगेट बनाना कि टॉस भी जो है दुश्मन जीते, और भाई फिर आपको बैटिंग के लिए दावत दे, और आप उस पर 171 जितना बड़ा टोटल इंग्लैंड जैसी डिफेंडिंग टीम के आगे आप खड़ा कर दें, तो भाई ये हर टीम का काम नहीं है, ये बड़ी बैलेंसिंग टीम है, ये बड़ी जबरदस्त टीम है, इसको नज़र ना लगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बुरी नज़रों से बचाए अल्लाह इस टीम को। कहते हैं ना कि जब करे हबीब तो क्या करे तबीब, तो भाई वही है कि जब ऊपर वाला चाहे तो भाई फिर नीचे वालों की औकात नहीं है कि वो किसी को जलील करे या किसी को इस मैदान से बाहर करे। बड़ा पाकिस्तानियों ने कोशिश की, बड़ा हिंदुस्तान को ट्रोल किया ने, आज यकीन माने दिल जीते, आज साबित कर दिया कि वो नंबर वन टीम भी है, उनके पास नंबर वन, दुनिया के नंबर वन बैट्समैन भी है, और उनके पास बॉलर भी, और रोहित शर्मा जैसे कैप्टन, मैं कहती हूँ 100 साल में कोई एक ही पैदा होता है। बिल्कुल इसी तरह आज इन्होंने तकरीबन 7वां मैच खेला, 7-7 विन कर गए, अभी 8वां मैच फाइनल। क्या लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम फाइनल में गया, इंडिया बहुत दफा फाइनल का प्रेशर ले चुका है, अब यहाँ पर इंडिया का एक्सपीरियंस काम आएगा, साउथ अफ्रीका फाइनल इंडिया से नहीं ले जा सकता। एग्जैक्टली, और ये कप है ही इंडिया का, आप देखिए कुदरत भी इंडिया के साथ है, फैंस भी इंडिया के साथ है, कोई एक प्रेडिक्शन आप बता दें जो इंडिया के लिए हम सब ने की और गलत साबित हुई हो। इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है आपका इस वक्त? तो देखिए मुझे तो रोहित शर्मा बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनकी मैच्योरिटी, और उन्होंने पहले कहा कि ये जो T20 सीरीज है इसमें अपने सेंचुरी या हाफ सेंचुरी बनाने वाली नहीं है, ये अग्रेसिवली जो है खेलने वाली गेम है, और बस खेलते रहो, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करते रहो, तो उनकी जो यूनिटी है, उनकी जो मैच्योरिटी है, विराट नहीं चल रहा, लेकिन रोहित शर्मा ने इसका प्रेशर ना खुद पे लिया और ना ही टीम पे आने दिया, तो इस दफा मेरे फेवरेट जो है विराट है। आज की जीत पर इंडिया को क्या पैगाम दें? कांग्रेचुलेशन, और बस एक दिन का वक्त बाकी है, और वर्ल्ड कप 2023 में अपनी टीम को फिनाले में लेकर गए थे, अनलकी रहे थे कि वहां जीत नहीं सके थे, लेकिन एक बार फिर बैक टू बैक 6 महीने के बाद 20 टीमों का वर्ल्ड कप था, 20 टीम्स थी, फिर सुपर 8 हुआ, फिर सुपर 4 हुआ, और अब सिर्फ 2 टीमें वर्ल्ड कप में बची हैं, 18 टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 18 टीमें जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं, और इस टाइम जो है वो टीम इंडिया जो है वो इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कप के फिनाले में पहुंच चुकी है। बड़ा बदला इस वक्त जो है वो टीम इंडिया ने जो है वो ले लिया है,
इंग्लैंड को इतने बड़े मैच के अंदर बम्बूजल कर देना कोई आम बात नहीं होती। उठो बाबर आजम, देखो इंडिया की टीम कैसे ग्रो कर रही है, कैसे इंडिया के स्पिनर्स कर रहे हैं, कैसे आज आप कह ले अक्षर ने बॉल किया। उठाकर देखिए मिड शो, उठाकर देखिए मिड शो, बात की थी वहां पे कि विकेट स्लो हो चुका है। अक्षर का, कुलदीप का, जडेजा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वही हुआ। किसे और कमाल की सभी कप्तानी की है रोहित सुपर शर्मा ने, और क्रेडिट गोज टू रोहित सुपर शर्मा, पेसर्स के ओवर हटा के स्पिनर्स को प्रॉपर लगा के क्या यूटिलाइजेशन की। हेलो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली इंडिया फाइनल में पहुँच गया, इंग्लैंड को हरा कर। यहाँ पर इंग्लैंड को जैसा हारा है तो देखने लायक था। यहाँ पर इंग्लैंड लगभग 70-80 रन से हार गए। यहाँ पर इतनी बुरी हार मिली कि इंग्लैंड को तो इंग्लैंड ने कभी सोचा भी नहीं था। और ये हार देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो इतना दुख हुआ कि वो रोने को आ रहा है। और यहाँ पर अफगानिस्तान के मीडिया की बात करें तो वो खुशी हुई जैसे कि अफगानिस्तान फाइनल में पहुँचा, इतना वो लोग खुशी हुए। लेकिन पाकिस्तान मीडिया पर तो यहाँ पर रोने को आ रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है फाइनल कैसा होगा? और यहाँ पर और एक बात अच्छी बात ये कि इंडिया अभी भी एक भी मैच यार है, वहां पर साउथ अफ्रीका भी सभी मैच जीत के यहां पर अनबेटन हो गया है। तो फाइनल जो फाइनल होना चाहिए इस पर वैसा फाइनल होने को चाहिए। यहां पर कड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हो, दो देखने को मिले, एक्साइटेड ना हो, क्योंकि इंडिया के सपोर्ट में हो, लेकिन भी जो मैच कांटे का टक्कर का होगा वो देखने में मजा आएगा। तो आपको क्या, आपको कैसा मैच चाहिए जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो और इस चैनल को भी लाइक करना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।